हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सैमसंग की 200 लीटर फ्रिज है और इसमें कूलिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये चल नहीं रहा है, हाई एम्पेयर लेके बंद हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सब्जियां बेचारी इसमें तड़प रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और यह हाई एम्पेयर क्यों ले रहा है, इसका कंप्रेसर ख़राब है या इसका रिले ओवरलोड। तो एक बार हम इसको ऐसे ही चला कर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा एम्पेयर मीटर लग गया दोस्तों, और बटन को ऑन करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई रिप्लाई नहीं आ रही है और ये चल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, हम अब इसे इसका रिले ओवरलोड निकालेंगे सबसे पहले और चेक करेंगे, प्लग को निकाल करके ही इसका रिले ओवरलोड निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी आवाज़ बाहर की भी आ रही है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना, और वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, ये सैमसंग की ओवरलोड रिले दोनों एक ही में होता है और एक कैपेसिटर इसके पीछे लगा होता है। तो आप देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है और इसमें कुछ जला सा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इसका गर्म हो रहा है। हाँ, इसका ओवरलोड जो है रिले के साथ में है वो गर्म हो रहे हैं। अब इसमें से दोनों में से कोई ना कोई चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हीट होकर बंद हो जा रहा है, कट कर दे रही है। तो दोस्तों, हम इसको हटा करके एक बार डायरेक्ट कंप्रेसर को चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर ही तो हाई एम्पेयर नहीं ले रहा है जिसकी वजह से हमारा रिले ओवरलोड गर्म होके कट कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक डायरेक्ट लीड लगानी होगी कॉमन और रनिंग में, और रनिंग से हमें स्टार्टिंग में इसमें शॉर्ट मारना होगा। दोस्तों, ये खतरा से बहुत भरा होता है, इसमें करंट लगने से कुछ होता नहीं है, बस आदमी को एक अच्छा सा 250 वोल्ट का झटका महसूस होता है बस। तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा दोस्तों। तो हमने कॉमन प्लस रनिंग में इसका हमने थिम्बल लगा दिया है और सब कुछ फिट कर दिया है, बस अब पेचकस से हम इसमें शॉर्ट मारेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं शॉर्ट मारते ही ये हमारी कंप्रेसर झन्ना कर चलने लगी है और 0.54 एम्पेयर भी ले रहा है, अभी एम्पेयर भी शो करने लगा है। तो दोस्तों, हमारा इसमें रिले ओवरलोड ही ख़राब है, हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों, हमें रिले ओवरलोड ही चेंज करना है, और ये रहा हमारा नया सैमसंग का रिले ओवरलोड प्लस कैपेसिटर भी। तो हम इसे इसमें लगाएंगे और अच्छे से फिटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटर बहुत ही सिंपल तरीके से पीछे से लग जाता है, बस इसको इस तरह से पकड़ कर और पीछे से इसको ऐसे पुश करना है इस तरह से, बस ये हमारा अभी इसी खांचे में बैठ जाएगा, ये बैठ गया, अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमें इसके कनेक्शंस कर देने हैं बस। तो दोस्तों, इसमें ऊपर जो लगेगा हमारा कॉमन का रहेगा और उसके नीचे साइड में जो लगेगा वो हमारा रनिंग का होगा। तो दोस्तों, इसमें कनेक्शन पलटे गए हुए हैं, रेड कलर का जो दिख रहा है वो कॉमन को किया गया है और ब्लू कलर का जो दिख रहा है, हरे कलर का, वो हमारा रनिंग का किया गया है। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे ही कर देंगे जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसको कंप्रेसर में हम लगाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, हमारे इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, ये हमारा रिले ओवरलोड लग चुका है, सारी मेहनत का निचोड़ दोस्तों हमारा वही रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसके साथ हमारा बल्ब भी ख़राब हुआ था तो इसको भी हमने नया लाया है, तो इसी में इसको भी चूड़ी पे लगता है, ये 14 नंबर का बल्ब है, तो इसे टाइट कर देंगे हम।
बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से टाइट हो जाता है, और हल्के हाथ से टाइट करके छोड़ दें। बस ये लग गया है। और दोस्तों अब हम इसे चलाकर चेक कराएंगे। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हमारा फ्रिज चल चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी हाई एम्पियर नहीं है और ये 0.3 ले रहा है और इससे भी कम होगा, अभी ये 0.2 तक जाएगा क्योंकि अच्छे से चल रही है हमारी फ्रिज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गैस को जैसे ही मेंटेन कर लेगी अपने स्थान पर आ जाएगी। दोस्तों थैंक यू, दोस्तों वेलकम टू माय चैनल।